नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 के लिए 50 मार्क्स हिंदी का यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो कि इस वीडियो में यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है, यानी बोला जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म यहाँ पे वाराणसी का यहाँ पे लम्ही गांव में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट का डी हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो में बोला जा रहा है कि इनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होंगे, तो यहाँ पे मंगर, मंगर जो कि यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे दो का यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन में बोला जा रहा है कि जीवन का झरना कविता के कवि का नाम लिखे, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन का झरना है जो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया जीवन का झरना, तो तीन का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, तीन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चार में बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी को यहाँ पे कलम का जादूगर यहाँ पे कहा जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच में बोला जा रहा है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है, यानी यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे फाइव का यहाँ पे सी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर छः में बोला जा रहा है, आज खाए और कल के झक्के ताके गोरख संग न रखे किस पाठ से उद्धत है, ठीक है, तो यहाँ पे मंगर पाठ से उद्धत है। तो छः का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सात में बोला जा रहा है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गाँव में, तो सात का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आठ में बोला जा रहा है, रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे, तो रहीम अकबर राजा दरबारी कवि थे। तो आठ का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नौ बोला जा रहा है कि गौरा की लेखिका कौन है, ठीक है, तो गौरा जो कि यहाँ पे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यानी कि गौरा की लेखिका कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा। तो नाइन का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दस में बोला जा रहा है, बेटा खुद से डरो पंच न किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन किस पाठ से उद्धत है, ठीक है, तो यहाँ पे पंच परमेश्वर से ये जो लाइन लिया गया है, ठीक है, तो दस का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह में बोला जा रहा है, संज्ञा के कितने भेद है, तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को संज्ञा के पांच भेद होते हैं। अब चलिए बारह नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, तो बारह का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर तेरह में बोला जा रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के चार भेद होते हैं, तो तेरह का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौदह बोला जा रहा है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, तो राइट आंसर चौदह के बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर पंद्रह में बोला जा रहा है, जी शब्द का लिंग निर्णय करे, तो जी क्या है, तो जी यहाँ पे पुलिंग हो जाएंगे, तो पंद्रह का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सोलह बोला जा रहा है, शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे, यानी शिक्षा स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, तो शिक्षा का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, शिक्षा स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर सोलह के बी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह बोला जा रहा है, अवश्य शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अवश्य शब्द का विशेषण यहाँ पे आवश्यक हो जाएंगे, तो सत्रह का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अठारह बोला जा रहा है, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है, तो नीति शब्द का यहाँ पे नैतिक हो जाएंगे, तो राइट आंसर अठारह का सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस में बोला जा रहा है, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, तो उन्नीस का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बीस में बोला जा रहा है, वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इक्कीस बोला जा रहा है, गिरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो गिरी प्लस यहाँ पे ईस हो जाएंगे, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आवि प्लस यहाँ पे कार हो जाएंगे, तो राइट आंसर 22 का यहाँ पे सी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे अलग होना, तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बोला जा रहा है, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है, तो सजीव का यहाँ पे विलोम उल्टा क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का नभ हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीका से हमने इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करे। तो दोस्तों अभी आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन चाहिए फटाफट कमेंट करिए, मैं उस सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि परीक्षा का काफी कम समय रह गया, ठीक है। ऐसे में आप लोग को तैयारी अच्छे ढंग से करना होगा, ठीक है। तो जो जो आप लोग को प्रॉब्लम है कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। तो दोस्तों यदि जो आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको और भी तरीका से वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।